नमस्कार आप सबका। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अ टॉक ऑन सोशल अवेयरनेस फॉर वुमेन सेफ्टी के तीसरे वीडियो लेक्चर में। आई मीन लेक्चर नहीं है, ये आदत हो गया लेक्चर बोलने का। तीसरे पार्ट में अ टॉक ऑन सोशल अवेयरनेस फॉर वुमेन सेफ्टी, अ ट्रुथ टू बी रियलाइज्ड। ठीक है, तो इसके पहले सीरीज में हम लोगों ने बात की थी। मैंने अपने कुछ मन की बात कही, कुछ सवालों के जवाब मैंने वहां पर दिए थे कि समाज को कंपेयर किया था एक जंगल से और कैसे क्विक एक्शंस लिए जाए या जल्दबाजी में क्या समझा जाए, उस विषय पर मैंने एक अपना सजेशन दिया था। फिर दूसरे वीडियो में मैंने तीन सवालों को सामने रखा जिसका एक जवाब मैंने दिया। ठीक है, और जवाब था, सवाल था कि भाई महिलाओं के साथ ये छेड़छाड़ मतलब क्यों हो रही है, ऐसा क्यों समय से होता रहा है, ये इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया, तो उस रिगार्डिंग मैंने अपनी कुछ बातें कही थी। कुछ दूसरा सवाल को लेकर के मैं यहाँ इस वीडियो में उपस्थित हूँ, उसका जवाब लेकर के। और अब आप कहेंगे कि सर इतने देर के बाद आप ये जवाब दे रहे हैं, तो देखिए ये भी एक मेरा ही अपना सोच है कि देखिए बातें होती रहनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं होंगी और फिर घटनाओं के बाद दो चार दिन, पांच दिन, छह दिन इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएंगी और फिर मामला जस का तस रह जाएगा, फिर इसे कोई बात नहीं करेगा। फिर बातें तब होंगी जब फिर से वापस ऐसा घटना होगा। ऐसा पिछले पांच सालों में, छह सालों में न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं और फिर लोगों ने अचानक से इसके खिलाफ आवाज उठाया, भीड़ लगी, कैंडल मार्च हुआ, चारों तरफ इसके ऊपर बात होने लगी और फिर मामला शांत हो गया। उसके बाद फिर घटनाएं तो बनती रहती है, जरूरी नहीं कि हर केस रिपोर्ट होता रहे, और ये इस तरह के केसेस समाज में बढ़ रहे हैं। फिर अचानक से एक बड़ा केस सामने आता है, फिर उसके लिए आवाज उठाई जाती है, फिर से वही बात होती है, फिर मामला। तो जरूरी यह है कि हम लोग इसके ऊपर बात करते रहें, समय समय पर बात करते रहें, बार बार दोहराते रहें इस विषय पर, ताकि ये हमारे कॉन्शियसनेस में जा सके। बिकॉज जब तक हमारा कॉन्शियसनेस नहीं ठीक होगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे अपने से, स्वयं से, और इन सब चीजों के प्रति पूरी तरह से अवेयर होकर के काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्याओं का कोई भी निदान देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो मैं बस इसी प्रयास में हूं कि जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैले और लोगों को सही जानकारी पहुंचे, सही तरीके से लोग बिहेव करना सीखें, और जहां पर बीमारी है, जहां पर यह समस्या है, जो जड़ है समस्या का, उस जड़ पर हम लोग काम करें। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये सीरीज यहां थमने वाला नहीं है, ये इस पे कई सारे पार्ट्स इसके आएंगे। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो भी बनाते रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने समय तक इसके विषय पर बात होता रहे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और ये कारवा जो है ये चलता रहेगा जागरूक करने का काम। चलिए दूसरा सवाल को मैं देखता हूं। आज का जो दूसरा सवाल है हमारा वो ये था कि एक लड़की पूछ रही थी कि हमेशा हमें ही क्यों बोला जाता है कि दायरे में रहो, समय के साथ या क्यों नहीं बदला, कभी कपड़ों को लेकर, कभी बाहर जाने को लेकर के न जाने कितने ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हम ही शिकार भी हैं और हम पर ही समाज प्रतिबंध भी लगाता है, ऐसा क्यों? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि लगभग समाज की अधिकांश महिला लड़की इस तरह की समस्याओं को जूझती होगी, भले वो बोले ना बोले, बताए ना बताए, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे यकीन है क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट से डेली के बेसिस पर मिलना जुलना होते रहता है। ठीक है, तो उन सबसे भी जानने को, समझने को मिलता है, समाज में कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, मूवीज है जो इस तरह की घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करती है। ठीक है, और हम लोगों को वहां भी देखने को मिलता है, तो फिर इन सब चीजों से नकारा नहीं जा सकता। देखिए हालांकि जवाब जो है वो साधारण सा है और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग जानते होंगे, मैं भी शायद मानने को तैयार नहीं है। तो चलिए मैं वापस से याद दिलाने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, शायद कुछ आंखें खुल जाए, समझ जाए आप लोग। चलिए, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पुरुष के प्रधानता के अहंकार के बारे में। ठीक है, कैसे पुरुषतात्मक ये समाज रहा, पुरुष धीरे धीरे अहंकारी होने लगा, समाज का पर्याय बन चुका था, उसी ने नियम कानून बनाने शुरू किया, उस नियम कानून को हम सभी लोग फॉलो करना शुरू किए। हम सभी लोग मतलब जो हमारे पूर्वज लोग थे, महिलाएं थी और भी जो बाकी वर्ग के थे, पुरुष का एक पुरुष के ऊपर भी अधिकार होता रहा, कमजोर जो है वो समाज से निकलते चले गए, और इस तरीके से दस तरह के, हजार तरह के नियम। तो जब किसी चीज को चुनौती नहीं मिलती है तो वह अहंकार का रूप ले लेता है। ठीक है, और जब ये अहंकार बढ़ने लगता है तो वो एक मानसिकता बन जाती है। अहंकार जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो एक मानसिकता बन जाएगी हमारी, वो हमारे नसों में उतर जाएगा, खून में दौड़ने लगेगा। और मैंने इस विषय पर पिछले वीडियो में बात भी की थी कि किस तरीके से एक पीढ़ी से फिर दूसरे पीढ़ी, दूसरे पे सेम पैटर्न फॉलो होता आया। ठीक है, तो जब कोई एक चीज इतनी सामान्य बन जाती है, इतनी कॉमन बन जाती है कि लगने लगती है कि वह प्राकृतिक है। ठीक है, तो उस तरीके से एक मानसिकता का जन्म होता है। उसी विषय पर मैंने अभी भी कह रहा हूं, मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि प्रधानता के अहंकार ने एक विकृत मानसिकता को क्या किया, विकृत मानसिकता को जन्म दिया। ठीक है, और तो फिर जब ये समझ गए हैं कि विकृत मानसिकता का जन्म हो चुका है, तो फिर सिंपल सी बात है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। पुरुष दायरे में नहीं रहना चाहता था तो महिलाओं को दायरे में रखा गया, राइट। उदाहरण की बात करें, अगर आप पूछोगे सर क्या बात कर रहे हैं, उदाहरण है क्या, उदाहरण तो विश्वव्यापक है यार। ठीक है, आप भारत की तो कहानी आप देख ही रहे हैं, इतिहास में हम लोगों ने प्रथाओं की बात की मैंने पिछले वीडियो में। आप यूरोप की कहानी को देख लो, वहां पे भी, फ्रांस में देख लो, कहीं भी देख लीजिए, जर्मनी की कहानी देख लीजिए, फ्रांस की कहानी देख लीजिए, आप रशिया की कहानी देख, महिलाओं को अलग से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ी है। ठीक है, उनको अपना अधिकार मांगना, जैसे फॉर वोटिंग राइट्स मांगना पड़ा है, समान वेतन के लिए उनको फाइट करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर के उन्हें वो सारे अधिकार मिले। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है वो केवल भारतवर्ष में ही सामान्य देखने को मिलती है, ये पूरे विश्वव्यापक है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर
जो संघर्ष हुआ था वहां अपने लोगों के खिलाफ हुआ था। देखिए ये बहुत जरूरी है, हम लोगों ने कभी भी अपने खिलाफ युद्ध नहीं किया है, ठीक है। यूरोप में जो 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 वेस्टर्न वर्ल्ड में जो क्रांतियां हुई जनरली अधिकांशतः वह अपने ही शासन के विरोध, जैसे मोनार्की के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ विरोध हुआ, ठीक है। उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप लाया तो मोनार्की के खिलाफ लड़के, तो जो मोनार्की था सिस्टम जो, वो वहीं के लोग थे जो उस समाज पे राज कर रहे थे, और वहां के लोगों ने अपने ही मोनार्कियल सिस्टम के ऊपर के अगेंस्ट फाइट किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि समाज में चेतना जगी, एक कलेक्टिव जो कॉन्सियसनेस इसको बोलते हैं, तो एक कलेक्टिव कॉन्सियसनेस जगता है, ठीक है, जब हम अपने ही विरुद्ध लड़ाई करते हैं। अपने विरुद्ध लड़ाई करने का मतलब है कि खुद के साथ संघर्ष करके खुद को ही सुधारना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सियसनेस वहां पर जल्दी आ गई, ठीक है, समय के साथ ही आई, लेकिन थोड़ा हमसे तो पहले आ ही गई है निश्चित तौर पर, क्योंकि जिन चीजों के हम लोग आज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं उस तरह के संघर्ष वहां देखने को नहीं मिलते हैं अभी फिलहाल, हालांकि उनके अपने अलग संघर्ष हैं। तो ये मैं इसलिए कहा क्योंकि ये विश्वव्यापक है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि इस सब चीज केवल भारत में होता है और बाहर में नहीं होता। हालांकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनके साथ तो इस तरह की जो गलत घटनाएं होती हैं, वो भी घटनाएं विश्वव्यापक है, उसको उसका एक अलग से मैं डेटा आपके सामने अगले वीडियो में भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से विश्व में इस तरह की घटनाएं घटती है, कहां पर किस देश में ज्यादा रिकॉर्ड है इन चीजों का, भारत का वो वहां पे इसमें क्या स्थान है, इन सब विषय पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये विकृत मानसिकता वाला पुरुष सामने आता है। उसके बाद आप पीड़ित रहीं, आपका सवाल था कि भाई आप पीड़ित रहीं और आप पर ही आरोप लगाया जाता रहा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अहंकारी को अपनी गलती स्वीकार नहीं होती। एक अहंकारी को आप बोलिएगा कि अपनी गलती स्वीकार कर लो, ये उसके बस की बात नहीं है, वो स्वीकारेगा ही नहीं, ठीक है। उदाहरण जानना चाहते हैं? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक उदाहरण मैं दूंगा, मुझे लगता है ये काफी होना चाहिए। अब देखिए, बेटी होने पर जो हमारे यहाँ व्यवहार होता है, या होता आया है कह सकते हैं, ठीक है, आज के समय में माहौल बदला है थोड़ा, लेकिन बेटियों के होने पर जो व्यवहारिकता जो हमें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि भाई बेटी जब होती है तो उतना हर्षोल्लास से उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, थोड़ा फीका रहता है। या चलो ठीक है, पहले के समय से ही कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, और हम में से कौन नहीं जानता कि भारत में बेटियों का स्वागत किस तरीके से किया जाता रहा है, ठीक है, जिसके लिए आज हमें इतना कार्य करना पड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह सरकार महिलाओं को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये रोजगार दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है। तो भाई ये रोजगार रिजर्वेशन मिल क्यों रहा है, रोजगार के अवसर मिल क्यों रहे हैं, या फिर अलग से उनको रिजर्वेशन देने की क्यों बात हो रही है, इतना ज्यादा उनको प्रमोट क्यों क्यों जा रहा है, ठीक है, इसको समझने को। इसलिए क्योंकि समाज में असमानता है, इसी चीज को पूरा करने के लिए, समानता लाने के लिए ऐसा, तो असमानता है तब तो ऐसा हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। असमानता किस वजह से है? तो बस यही जो मैं बात कर रहा हूं, इसी वजह से। तो ये मानसिकता का खेल है। तो बेटियों के जन्म होने पर समाज का रवैया कह रहा है वो सब हम जान रहे हैं, ठीक है। और जब बेटी का जन्म होता था तो इल्जाम किस पर लगता है? तो वो भी महिला पे लगता है कि भाई तुमने खानदान में बेटी को जन्म दे दिया तो हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, ये क्या किया तूने। और इस केस में महिलाओं को आरोप लगा करके या तो दूसरी शादी एक पुरुष कर लेता है, ठीक है, या उस महिला को जीने लायक भी मुझे नहीं लगता है कि कई सारे ताने सुनाए जाते हैं, है ना। तो अब ये चीज जो है वो कई समय से चलता आ रहा है, ठीक है, ये हम सभी जान रहे हैं कि कई समय से हो रहा है, लेकिन अब जाकर ये पता चलता है कि भाई ये बेटा या बेटी होना तो महिलाओं पर तो निर्भर ही नहीं करता, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम का खेल, और इसमें पुरुषों का ज्यादा योगदान है। ज्यादा क्या मतलब, पूरा का पूरा योगदान है, इसलिए क्योंकि बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि महिलाओं में एक्स क्रोमोजोम होता है और पुरुषों में एक्स और वाई दोनों होता है। तो अगर एक्स क्रोमोजोम के साथ एक्स क्रोमोजोम मैच किया तो महिला का जन्म होगा, बेटी का जन्म होगा, और एक्स क्रोमोजोम के साथ वाई क्रोमोजोम मैच किया तो पुरुष का जन्म होगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन हो रहा है? तो सीधी सी बात है कि ये पुरुष जिम्मेदार हो रहा है, लेकिन हमने जिम्मेदार किसको लगाया? हमने जिम्मेदार बनाया महिला को। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हम इन द सेंस जो समाज है वो समाज, अपने अहंकारी समाज उस चीज को स्वीकार कर, या तो उसके पास ज्ञान नहीं था, और अगर था भी तो वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि नहीं ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये अपने ईगो पे पड़ जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप समझ गए कि भाई क्यों आप पीड़ित रही और आप पे ही आरोप लगाया जाता रहा, तो ये अहंकार का एक परिणाम था। अभी भी भारत जैसे देश में बेटियों के होने पर कोई खास, ठीक है, मैंने खास उत्साह नहीं देखने को मिलती है, और ठीक है सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, स्थिति काफी सुधरी है, काफी सुधरी है, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर इतना काफी होता तो ये इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही होती, ये हम सभी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बोल देने से कि नहीं काफी है, कानून बना देने से सब कुछ हो जाएगा, कानून को सख्त कर देने से कुछ हो जाएगा, तो ठीक है ना। चलिए आगे आगे बात करते हैं। समय के साथ क्या ये मानसिकता बदल गई? नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि हम लोगों ने कभी जो मेन जड़ है उस जड़ पे कभी बात ही नहीं की, ध्यान ही नहीं दिया कि उस जड़ का इलाज कैसे किया जाए, ठीक है, इलाज की भी बात मैं करूंगा, ठीक है ना। तो अब ये इस पे बात क्यों नहीं की है? क्योंकि मैंने पहले इस पहले वीडियो में बताया था कि भाई प्रक्रिया जो है वो घुल मिल गई थी, ऐसी घुल गई थी मानो कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। अब समय के साथ क्या हुआ? महिलाओं ने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद उनको कुछ अधिकार मिला, हमारे संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिए, ठीक है, उन्हें समानता का अधिकार दिया, इसके अलावा
इसके अलावा उनको सख्त कानून बनाए गए, महिलाओं ने अपनी सफलताओं के झंडे हर क्षेत्र में गाड़े, ठीक है, एक पर एक महिलाओं के नाम है हर क्षेत्र में, खेल की दुनिया में, डिफेंस की दुनिया में बात कर ले या आईटी सेक्टर की बात कर ले, जिस भी हेल्थ सेक्टर की बात कर ले, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जिस फील्ड में बात करना उस फील्ड में नाम मैं नहीं गिना सकता, एक दो का नाम लेना शायद अन्याय हो जाएगा, हजारों नाम है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या देखने को मिलता है, इन सब के बावजूद स्थिति परिस्थितियां सामान्य देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसपे काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि ध्यान कहीं और जा रहा है। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन मैं बस एक सोचने के लिए एक विषय दे रहा हूं कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, इतना कुछ सुधार आया, लेकिन फिर भी मामला क्यों नहीं, मतलब जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से हो पा रहा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि समस्या कहीं और है, समस्या की जड़ कहीं और है, हम शायद समस्या हो रही है उसको ठीक करने का प्रयास करें, जब समस्या हो रही है तो उसको ठीक करें, लेकिन समस्या क्यों हो रही है इसको ठीक करने का प्रयास शायद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो समस्या क्यों हो रही है, ठीक है, ये बात आप अंदाजा लगा सकते हैं अब इतना सुनने समय कि भाई एक विकृत मानसिकता है, एक अहंकारी है और इस तरह की बातें जो मैंने कही, लेकिन वो मानसिकता का विकास कैसे हो रहा है उसके विषय पर बात करना बाकी है, उस विषय पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी वो प्रधानता के अहंकार को नहीं दबा पाई, उस विकृत मानसिकता को ठीक नहीं किया जा सका है जो अभी भी महिलाओं को अपने उपभोग की वस्तु मानता है। तो महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना, अब महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ना हम इस पे नकार सकते, मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो उनको उपभोग की वस्तु माना जाने लगा और सदियों से यही रवैया, यही सोच, यही विचार, यही मानसिकता बनी हुई है, तो इस विषय पर भी हम लोग बात करना बाकी है, जो बात करेंगे और निश्चित करेंगे, ठीक है। लेकिन धैर्य रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे ही मैंने पहले ही कहा है कि इस पर बात होती रहेगी और होती रहेगी, ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा कि जितना समय तक इस पर बात हो उतना अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं इसको सीरीज में लेकर छोटे छोटे भागों में लेकर के आया हूं। और हाँ, कपड़ों को लेकर के एक सवाल पूछा गया था, कपड़ों को लेकर सवाल क्यों पूछा जाता है, इतना तो समझ गए कि अब समाज को पता है कि भाई घर में या कहीं पे भी समाज में हमारे ही आसपास विकृत मानसिकता घूम रही है, ठीक है, जब पता है तो घूम रही है, लेकिन समाज कभी भी इस विकृत मानसिकता के इलाज के लिए कभी काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि शायद ये आसान काम नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट काम है, या फिर शायद कभी शायद ये ऐसा काम है कि ये खुद को सुधारने जैसा है, और खुद को सुधारने जैसा है तो मतलब अभी तो मेरी मानसिकता तो उस लेवल पे पहुंची नहीं है कि मैं उसको सुधार सकूं, अभी तक तो जो मानते आया हूं, जो करते आया हूं, जो सोचते आया हूं, तो ऐसा लग रहा था कि ये सही है, तो मैं उस पर काम करूं, इससे अच्छा है कि उसी पर काम किया जाए जिस पर समस्या हो रही है। तो महिलाओं पर समस्या हो रही है तो ठीक है, चलो महिलाओं पर ही काम करते हैं। तो महिलाओं को बोला जाता है कि भाई तुम मत पहनो कपड़े इस तरह के या उस तरह के, या तुम ये नहीं करो, बाहर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, क्योंकि समाज को ये बात पता है, एकदम निश्चित तौर पर पता है, लेकिन वो जड़ पे काम ना करके जहां समस्या है, जिस पर समस्या है, समस्या के ऊपर ही काम कर रही है, समस्या के कारण के ऊपर काम नहीं हो रहा, यही मैं बस कहना चाह रहा हूं, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ रहा होगा। तो जरूरत क्या है, जरूरत है इस विकृत मानसिकता को सही से इलाज किया जाए, का सही से इलाज किया जाए, ठीक है, एक बीमारी के जैसा है ये, ठीक है, दिस इज अ डिजीज, ठीक है, मैं मेंटल डिसऑर्डर नहीं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिकता है जो शायद सही नहीं है, क्योंकि मानसिकता क्या होता है, किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी चीज को सोचने का नजरिया, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं इस बीमारी शब्द का प्रयोग किया हूं, ठीक है, तो ये एक बीमारी है, जागरूकता से इलाज करने की जरूरत है, किससे, जागरूकता से। जागरूकता कहां कहां लेने वाले हैं, अगले वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग, उसका इलाज कैसे हो अलग विषय है, इस अंश पर हम लोग अगले अंश में बात करेंगे। चलिए हिंट के लिए मैं कुछ देता हूं ताकि आप लोगों की उत्सुकता बनी रहे। अब अगर बात करें तो समाज की सबसे बड़ी भूल क्या रही है, समाज की सबसे बड़ी भूल रही है कि जो समाज के शिक्षित वर्ग रहे हैं और खास करके जो महिला वर्ग खुद भी जो रही हैं, उन्होंने कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि इसी आंदोलन की चर्चा मैं कर रहा था वीडियो के शुरुआत में, जब मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की, जब यूरोप की बात की, कि वहां लोगों ने क्रांति की अपने ही खिलाफ, अपने आप को खुद ही सुधारा उन्होंने, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है, कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई आंदोलन होते हैं, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, लोगों में थोड़ा सी थोड़ी उत्तेजना रहती है, गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, ठीक है, फिर कुछ काम हो जाता है, किसी को अरेस्ट करना है, वो अरेस्ट हो गया, कुछ नियम बन गया, कुछ कानून बन गया, फिर चीजें शांत हो जाती है, जस के तस, बस बात खत्म, फिर से चार दिन के बाद, दस दिन के बाद, पंद्रह दिन के बाद, फिर से वही हाल, ठीक है, फिर साल, दो साल के बाद फिर वही हाल, फिर वही कैंडल मार्च, फिर वही मोर्चा, फिर वही डिमांड्स, ठीक है, फिर वही स्ट्राइक्स, लेकिन फिर वापस अगेन वही घटना। तो इसलिए क्योंकि हम शांत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता कि हम लोग भूलें। तो इसके लिए जरूरत क्या है, एक बड़ी क्रांति की। क्रांति का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कुछ ऐसा वैसा हो, ठीक है, मतलब क्रांति का मतलब है कि खुद में बदलाव लाने की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। तो ये आंदोलन जरूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही आंदोलन, आंदोलन घर में भी किया जा सकती है, खुद के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो सब विषय में बात करने वाले, ठीक है। तो कभी आंदोलन नहीं हुए, और जितनी गहराई तक ये सारी समस्याएं हमारे समाज में घुली हुई है, वो
मतलब उसके लिए बिना किसी बड़े आंदोलन को किए, ठीक है, मतलब संभव नहीं है इस चीज को, इसका इलाज करना है ना, तो बिना क्रांति के इसे हटाया नहीं जा सकता है। ओके, और एक और जबरदस्त बात जो मैं कहना चाहता हूं यहां पर वो ये है कि कहते हैं कि जब समस्या या अधर्म अपनी जड़ें जमा रहा हो, ठीक है, समस्या या अधर्म जब अपनी जड़ें जमा रहा हो, तो और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो अगर मौन रह करके इन सब चीजों को बस देख रहा हो, ठीक है, वो देखता हो, थोड़ी बहुत बातें करता हो, थोड़ी बहुत आर्टिकल, ठीक है, जैसे अभी वीडियो भी बन रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ उसी क्रम में, लेकिन ये सब करते करते क्या होगा, फिर लोग बंद बातें करना बंद कर देंगे, विचारना बंद कर देंगे, सोचना बंद कर देंगे, फिर जो घटना होगी फिर बातें करेंगे, फिर बस नहीं रह जाएगा। जरूरत है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इस लड़ाई को महिलाओं को और बुद्धिजीवी और जिम्मेदार पुरुषों को साथ में मिलकर के लड़ना होगा, और ये लड़ाई सतत संघर्ष के तौर पर हमें करनी होगी, सतत संघर्ष, लगातार संघर्ष करना होगा, लगातार संघर्ष लगातार करना होगा, डेली एक्टिविटी के तौर पर इसे हमें अपने जीवन में उतारना होगा, ठीक है। वो सब कैसे करेंगे वो तो अभी मैं बस एक प्लॉट दे रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिर डिटेल में बात भी करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि इस फील्ड में ये कर सकते हैं, उस फील्ड में ये कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो समस्या तो इस मैं क्या, जब समस्या है, जड़े जमा रहा है, पांव पसार रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें सतत संघर्ष करना है, और बुद्धिजीवी वर्ग अगर इसमें उसको मौन होकर के देखता रहा, अपने में व्यस्त रहा, तो फिर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, तो फिर आप शिकायत करने के लिए, मतलब क्या बोल सकता हूँ, शिकायत करने के लायक भी नहीं है, आप शिकायत भी नहीं कर सकते, आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, आप मौन होकर देख रहे हैं। और अगर केवल हम ये समझ रहे हैं, अगर मैं भी अगर ये समझ रहा हूँ कि केवल वीडियो बना के अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे हमको सब मिल करके इसे इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, और मैंने जैसे कहा डेली लाइफ में इसको उतारने की जरूरत है, विथ डेली कॉन्सियसनेस, विथ कलेक्टिव कॉन्सियस, वी हैव टू क्रिएट अ कलेक्टिव कॉन्सियसनेस टुवर्ड्स दिस इशू, ओनली देन वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले अंश में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है, जो संभावित मतलब स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो तक बने रहिए, मैं उम्मीद तो यही करूंगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट भी करते रहिए, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आपको ये कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।